अजमेर नगर निगम और यातायात पुलिस ने आज संयुक्त कार्रवाई करते हुए जयपुर रोड काकरिया भुना बाई पर स्थित अलग अलग कार बाजार के अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। इस दौरान सड़क पर लगी गाड़ियों को जब्त कर उनके चालान भी काटे गए। इस मामले में शिकायत जिला कलेक्टर को दी गई थी, जिसके बाद आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नगर निगम के थानाधिकारी रवि सामरिया ने बताया कि जयपुर रोड स्थित काकनिया भुना बाई मार्ग पर बड़ी संख्या में कार बाजार संचालित किए जा रहे थे। अलग अलग संचालकों की ओर से सड़क पर ही दर्जन गाड़ियां खड़ी कर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसके कारण यातायात भी बाधित हो रहा था। साथ ही अतिक्रमण के चलते कई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही थी, जिसकी शिकायत मिलने पर आज कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान दर्जनों गाड़ियों को जब्त करने के साथ ही उनके चालान भी काटे गए। साथ ही सभी को चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने वापस गाड़ियों को लगाकर यातायात बाधित कर अतिक्रमण किया तो उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार अलग अलग स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी सर बताइए, आज श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार आज नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की जॉइंट संयुक्त कार्रवाई की गई जयपुर रोड पे, जिसमें 100-125 कारों का नो पार्किंग में चालान किया गया ऑनलाइन, और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और ये समझाइश भी की गई कि आइंदा से आपने रोड के ऊपर कोई कार खड़ी की या कुछ सामान रखा तो अतिक्रमण के हिसाब से नगर निगम कार्रवाई करेगा, और नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करेंगे तो नो पार्किंग की कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, और शहर के सभी नागरिकों से मैं अपील करना चाहता हूं कि वो नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी नहीं करें। सभी के मन में यह है कि जो सफ़ेद पट्टी के अंदर हम गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, रोड के ऊपर सारी नो पार्किंग मानी जाती है। और इसके संबंध में वैसे कोर्ट का आदेश भी पहले निकला हुआ है, तो सभी से अपील है कि वो नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी नहीं करें और शहर में अतिक्रमण नहीं करें। देखिए, आज नगर निगम के द्वारा और ट्रैफिक पुलिस अजमेर के द्वारा और थाना पुलिस सिविल लाइंस, एक हमने जॉइंट ऑपरेशन किया था, जिसमें काकरिया बुनागांव जो कि जयपुर रोड पर स्थित है, वहाँ पर जो कार बाजार से उन कार बाजार वालों ने 10-10 गाड़ियाँ 15-15 गाड़ियाँ अपनी शॉप्स के आगे लगा रखी हैं, जिससे आवागमन को बाधित हो रहा है। हमने आज उन सभी गाड़ियों पर कार्रवाई की है, ट्रैफिक पुलिस ने भी उसके चालान बनाए हैं, नगर निगम के द्वारा भी जो सामान से उनके बाहर इधर उधर अस्त व्यस्त फैले हुए थे उनकी जब्ती की है, और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हमने जो भी कार के वेंडर्स हैं और कार बाजार वाले हैं, उन सभी को ये बताया है कि यदि अब से कोई भी गाड़ी रोड के ऊपर आपकी पाई जाती है जो कि ये कार खरीद फरोख्त का काम करते हैं, तो उनकी सीधी सीजिंग की जाएगी और परमानेंट कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। सर, किसी तरह की शिकायत मिली थी क्या? देखिए, इसमें कलेक्टर साहब की तरफ से एक लेटर आया हुआ था जिसमें इस तरह की कार्रवाई करने का उल्लेख था, तो उस पर हमने आज कार्रवाई किया। सर, आप जब तक कार्रवाई करते हो जब तक तो ठीक है, उसके कुछ ही देर बाद में ये वापस लगा देते हैं, इनके खिलाफ फिर क्या रहेगा? देखिए, अब हमने इस बार इनको चेताया है कि यदि इस बार के अलावा वापस इनकी कारें यदि रोड पर पार्क रहती हैं तो नियमानुसार इनके विरुद्ध वापस कार्रवाई की जाएगी।